महाराज जी, भगवान प्रतिमा में नहीं है, भगवान प्रति मां में है। भगवान प्रतिमा में नहीं है, लेकिन भगवान प्रति मां में जरूर है। और जो प्रति मां को छोड़कर प्रतिमा को पूजता है वो शायद कभी कभी घाटा खा जाता है, लेकिन जो प्रतिमा को अगर छोड़ भी दे लेकिन प्रति मां को पूज ले वो भगवान को पा जाता है। और अच्छा, हमने मां शब्द क्यों लिया? परमात्मा और मां, देखो संसार का ज्ञान करवाती है मां, लेकिन भगवान का अनुभव करवाते हैं महात्मा, और वही महात्मा फिर मिलवाते हैं परमात्मा। मां महात्मा बराबर परमात्मा। संसार में लाने का श्रेय है मां का, परमात्मा की गली में लाने का श्रेय है महात्मा का, और वही महात्मा फिर परमात्मा का दर्शन करवाते हैं। तो मां और परमात्मा दोनों एक ही रूप हैं। जो कई बार हम लोग माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक श्रीमती जी नहीं आ जाती, जहां श्रीमती जी आई सोई अपनी मती खराब। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। एक बार एक बेंगलुरु की माता जी हमारे पास आई, बोले महाराज जी महाराज जी। हमने कहा बताइए। उनका नाम था मुन्नी बाई। महाराज जी महाराज जी, हमें बताइए, घर में सुख शांति नहीं है, कौन सा व्रत करें, कौन सा व्रत करें घर में सुख शांति हो जाए। हमने कहा देवी जी आप मौन व्रत करो। मौन व्रत करो सो सुख शांति हो जाएगी। ऐसे ही उन्होंने फिर कहा, पंडित जी हमारे पति को रात में सपने में बोलने की बहुत आदत है, वो पूरी रात बड़बड़ाते रहते, हम बड़े परेशान रहते, हमारी नींद खराब हो जाती है, कई बार तो रात को सपने में गाली भी देने लगते हैं। हमने धीरे से कहा, हमने कहा बहन जी पति को दिन में बोलने दिया करो, बेचारे को दिन में नहीं बोलने मिलता तो क्या करे, सपने में बोलता है, संतुष्टि करता है, कर भी क्या सकता है। तो हम आपको बताएं, माता पिता की सेवा लोग कब तक करते, जब तक श्रीमती जी नहीं आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब श्रीमती जी ऐसी होती हैं, कुछ श्रीमती ऐसी भी होती हैं जो कहती हैं हम चाहे भूखे रह लें पर सास ससुर हमारे मां बाप हैं वो कभी भूखे ना रहे। आहा, तो हमने मां शब्द क्यों पकड़ा? मां ममतामयी होती है और परमात्मा भी ममतामय है, भगवान भी करुणावान है। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय। इसमें एक पंक्ति आई राम जी के लिए, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। राम जी कैसे हैं? करुणा निधान है।